हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूके ब्लॉगर रेनू। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ रक्षाबंधन स्पेशल एक छोटा सा मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। बहुत अफोर्डेबल मेकअप करूँगी और ये देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ, ओल्ड ड्रेस के साथ ही करूँगी। इसके साथ है प्लाजो और प्लेन दुपट्टा है इसके साथ नेट का, थोड़ा सा उसमें नीचे बॉर्डर है और ये थोड़ा सा मेकअप प्रोडक्ट है जिससे मैं एक प्यारा सा मेकअप लुक क्रिएट करूँगी आप लोगों के सामने, बहुत अफोर्डेबल और बहुत कम सामान के साथ। तो ये है प्राइमर, सबसे पहले मैं प्राइमर लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर प्राइमर नहीं है तो बॉडी लोशन लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं हल्के हाथ से प्राइमर से कवर कर लूँगी। उसके बाद मैं फेयर एंड लवली लगाऊँगी क्योंकि फेयर एंड लवली मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैं इससे फेस को अच्छे से कवर कर लूँगी पहले थोड़ा सा बिल्कुल। अब मैं लगाऊँगी सीसी क्रीम, तो सीसी क्रीम को मैं थोड़ा सा लूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगाऊँगी, ये देखिए इतना सा, और इससे हमारे चेहरे का रंग ही अलग हो जाता है। तो बस मैं इतना सा ही लगाती हूँ फेस पे, ये देखिए इस तरह से लगाऊंगी। और अब मैं इसको फेस पाउडर से कवर कर लूँगी, मतलब सेट कर लूँगी अच्छे से फेस पाउडर से, ताकि ये निकले ना। आई थिंक मैं फेस पाउडर लगाना दिखाना भूल गई हूँ, इस पैलेट से लगाऊँगी मैं फेस पाउडर भी और आई मेकअप करूँगी मैं अब। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अब आई मेकअप। तो मेरी ड्रेस है रेड और गोल्डन, तो मैं रेड और गोल्डन का टच दूंगी अपनी आईज़ को। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ रेड कलर, तो रेड कलर को मैं अपनी आईज़ में लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आई मेकअप को करते टाइम सिर्फ एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको आईज़ में अच्छे से ब्लेंड करना है, किसी भी अगर कलर को हम ले रहे हैं तभी हमारी आईज़ उभर के आएगी। तो मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया है, हल्का रेड मैंने ले रखा था और अब मैं लगा दूंगी गोल्डन कलर, थोड़ा सा ऊपर टच दे दूंगी गोल्डन कलर का। तो फ्रेंड्स, ये कैमरे में पिंक सा लग रहा है पता नहीं क्यों, तो मैं गोल्डन कलर से टच दे दी हूँ और अब मैं लगा लूँगी काजल। तो ये एसक्यू की काजल है। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी मेकअप प्रोडक्ट लगा रही हूँ ये मैंने अभी परचेज़ नहीं किए हैं, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं रही हूँ। तो मैं वाटर लाइन पर काजल लगा लूँगी और थोड़ा सा ऊपर भी, और इसी ब्रश से मैं इसको थोड़ा सा मैस्क कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मैं एक ही ब्रश से पूरा मेकअप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं लगा लूँगी आईलाइनर जो है कि ग्रीन कलर का, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। और अब मेरा आई मेकअप हो गया डन। अब मैं थोड़ा सा फेस पाउडर से इसे कर लूँगी कवर, और अब मैं कर लेती हूँ अपनी आईब्रो फिल। आईब्रो मैं बहुत कम फिल करती हूँ और जब मैं फिल करती भी हूँ तो तब मैं मस्कारा से ही कर लेती हूँ। तो ये रहा मेरा मस्कारा, ये है हुडा ब्यूटी का। फ्रेंड्स, इसका मैं कॉम्बो ली हूँ, अभी ली हूँ शायद इसको, तो थोड़ा सा इसको मैं आईब्रो पे भी लगा लेती हूँ। वैसे मेरी आईब्रो पहले से ही डार्क है। और अब मैं नोज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि यही हमारा मेन पॉइंट होता है। और अब मैं क्रीज़ बना लेती हूँ, इसी से कर रही हूँ मैं। और अब मैं अपने चीक्स को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ और इसको मैस्क कर लेती हूँ अच्छे से। हाई मेकअप हो गया मेरा डन। और अब मुझे अपने ये जो आईब्रो है अच्छे से इनकी शेप दिखे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनकी शेप दिखाने के लिए इसको मतलब शेप दे दी है थोड़ी सी। और अब मैं लगा लूँगी लिपस्टिक, और ये लिपस्टिक लोटस की है आई थिंक, पता नहीं। और अब मैं एक्स्ट्रा मेकअप जो भी है उसको निकाल लूँगी। और ये हो गया मेरा मेकअप लुक क्रिएट। और अब मैं ड्रेस पहन ली हूँ और अब मैं इयररिंग पहन लूँगी। तो ये देखिए, आप बताना इयररिंग कैसी लगी आपको, अच्छी लग रही है ना। और अब मैं पहन लूँगी एक हाथ में बैंगल। और फ्रेंड्स, ये मैंने ऐसे ही मेकअप लुक क्रिएट कर दिया, तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लगा, कुछ स्पेशल नहीं किया। और एक हाथ में वॉच डाल दी और देखिए मेरा लुक हो गया क्रिएट। और बहुत ही जल्दी मैंने ये मेकअप लुक कर लिया था, आई थिंक आधा घंटा भी नहीं लगा होगा। और ये देखिए मेरा प्यारा सा ड्रेस और मैं रेडी है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगा मेरा रक्षाबंधन स्पेशल मेकअप लुक। और फ्रेंड्स, ये ड्रेस मेरी अभी की नहीं है, बहुत पहले की है। और कितने की है, 3000 की
शायद ये है, इसमें आप प्लाजो भी पहन सकते हैं और इसमें आप चाहे तो नीचे से स्कर्ट भी डाल सकते हैं और लेगीज भी डाल सकते हैं। तो मैंने तीनों चीज़ रखी है, जब जो मन करता है मैं डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स कॉमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।